लोगों की जुबान पर एक नाम रहता है कि जेल के अंदर चार दीवारी में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर के केंद्रीय जेल में अब आप जेल के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि अब जेल के पीछे की दीवार ढह गई है। दीवार ढहने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल बैरक को फौरन बंद किया गया और सुरक्षा के लिहाज से टूटी दीवार के बाहर पुलिस की मदद से जवानों को तैनात किया गया। दरअसल जेल की दीवार का घटिया निर्माण हुआ था, दीवार कमजोर और झुकी थी। जेल प्रबंधन को इसकी जानकारी थी। जेल प्रबंधन ने महीनों पहले 115 फुट दीवार के लिए शासन से पैसे मांगे थे। शासन ने 1,15,00,000 रुपए मंजूर भी किए थे। इस दीवार के आगे नई दीवार का काम हो रहा था। नई दीवार जब बनती उससे पहले ही यह भ्रष्टाचार की दीवार ढह गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई मजदूर हताहत नहीं हुआ। आज जब लगभग 2:15 बजे जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से काम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे थे और लंच हो गया था, उसी समय अचानक 2:15 बजे खबर लगी कि एक दीवार गिर गई। चूँकि दीवार पहले से बाहर की ओर झुकी हुई थी और गिरने की संभावना को देखते हुए पिछले वर्ष ही जेल विभाग से हमने इस बात को अवगत कराया था और 1,15,00,000 रुपये का हमें बजट प्राप्त हुआ था। तो पहले किस्त हमें 54,00,000 की मिली थी, जिसमें हमने काम पिछले बार चालू कर दिया था। काम चल ही रहा था और जिस जो दीवार गिरी है उसमें भी काम चल ही रहा था, पर अचानक ही आज दीवार 2:15 बजे गिर गई है, जिसकी लंबाई कम से कम 115 फीट के आसपास होगी। अब सवाल है, क्या जेल की सुरक्षा में तैनात चंद पुलिसकर्मी इस जेल की सुरक्षा कर पाएंगे, तब जबकि जेल में हजारों कैदी बंद हैं। इकराम खान के साथ हेमंत नवरंग, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।